चंडीगढ़ पुलिस समाज सेवी कार्यों में हमेशा एक कदम आगे रहती है और समय समय पर समाज की भलाई के लिए रक्तदान सेवा हो या फिर लंगर सेवा। वहीं शनिवार को सेक्टर 23 स्थित चिल्ड्रन पार्क में चाय पकौड़े के लंगर का आयोजन किया गया। इस लंगर में भारी संख्या में लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। इस सेवा लंगर कार्यक्रम में DSP रोड एंड सेफ्टी जसविंदर सिंह, चिल्ड्रन ट्रैफिक लाइन पार्क के इंस्पेक्टर अशोक तुली, सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी और चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के मुंशी हरभजन सिंह के अलावा कई ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संदर्भ में इंस्पेक्टर अशोक तुली ने बताया कि सेक्टर 23 स्थित शनिवार को नए साल के उपलक्ष्य पर चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों, समस्त पुलिसकर्मियों, उनके परिवार वालों और नागरिकों की खुशहाली और तंदुरुस्ती के लिए चाय पकौड़े का लंगर का आयोजन किया गया। इन दिनों में जरा श्रद्धा भावना भक्ति की तरफ भी ध्यान होते हुए हम चाहते हैं कि ये चंडीगढ़ पुलिस ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क के स्टाफ ने, हम चाहते हैं कि सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जो हम दो तीन चीज़ों को डील करते हैं, ख़ास तौर पे हम एक्सीडेंट सेल में, उस दौरान हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे ही हादसे हो जाते हैं जो नागवार होते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे हादसे ना हों, कम से कम हो, शांति बनी रहे, किसी के परिवार पे ऐसे दुख दुविधा ना आए। जो कि रोड सेफ्टी के लिए हम काम करते हैं, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस हमेशा इस बात के तत्पर रहती है कि रोड सेफ्टी के प्रति अवेयर हों और रूल रेगुलेशन की पालना करते रहें, ट्रैफिक के नियमों की पालना करें, तो एक्सीडेंट्स कम हो, इंजरीज कम हो, फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट ना हो। तो इस सुख शांति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक मन में धारणा करके चलते हैं कि ईश्वर की भक्ति जरूरी है, इसलिए सुख शांति के लिए हमने ये आज हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें हमने अपने सारे ऑफिसर्स को रिस्पेक्टफुली कॉल किया और प्राइवेट लोग भी जो भी हैं निकल के जा रहे हैं, हम चाहते हैं वो जो चाय गर्म और साथ में हमने पकौड़े बनवाए हैं ताकि वो इस चीज़ का वो प्रसाद प्राप्त करते जाएं। हादसे कम हो, ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या आगे क्या प्रयत्न? हम प्रयत्न यही रहता है हमारा कि लोगों को सचेत करते हैं। हमारा साइकिल स्क्वाड एक टीम है, स्पेशली हम चाहते हैं कि साइकिलिस्ट साइकिल ट्रैक पे चलें, रेडी वाले साइकिल ट्रैक पे चलें, साइकिल ट्रैक पे और व्हीकल ना चले, कोई पैदल चलने वाले पैदल उस पे चलें ताकि सेफ्टी रहे उनकी। व्हीकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, साइकिल रोड कैपेसिटी कम है, व्हीकल डे बाई डे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि अवेयर करते रहें, ट्रैफिक के नियमों को पालन करने के लिए सबको हम सचेत करते रहें। हमारा यूनिफॉर्म स्क्वाड जितना भी रहता है डे टू नाइट और ना इवनिंग में हम जो ड्रंकन नाके लगाते हैं ताकि सब चीज़ें प्रॉपरली चलती रहें और लोगों को अवेयर रहे। हालांकि फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर भी कई बाहर से स्टेट से लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता कई बार। यहाँ पे हमारे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस इसलिए हम रखते हैं कि एक्सीडेंट ना, हमारा यही होता है कि इंजरी चाहे आपकी है चाहे दूसरे के रिलेटिव्स हैं, दुख लगता है कि कम से कम एक्सीडेंट हों, लोग नियमों की पालना करें और सुख शांति सबके लिए बनी रहे, हमारी यही कामना है। हम चाहते हैं नया साल सबके लिए सुख समृद्धि भरा हो, खुशियों भरा हो, किसी को ऐसा ना सुनने को मिले कि एक्सीडेंट में हादसा हो गया, डेथ हो गई और हमें पूरे परिवार को झेलना पड़ता है, उसमें शांति रहे। हमारा ये मिलजुल के प्रयत्न होता है, नागरिकों से भी हमारा निवेदन ये रहता है कि नियमों का पालन करें, ट्रैफिक के नियमों के प्रति सचेत रहें और हमारा भी सहयोग करें। इसलिए हम सारी कैंपेन चलाते रहते हैं, स्कूलों में जाके भी, कॉलेज वाले लोग भी आते हैं, NS स्टूडेंट्स भी रहते हैं, NCC वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और उसमें हमारे बड़े साहब जो हैं SSP साहब हैं, शशांक आनंद साहब IPS, उनका बहुत सहयोग रहता है। और हमारे डिप्टी SP यहाँ पे जो मेरे हैं श्री जसविंदर सिंह जी, CTPI के इंचार्ज हैं, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं हमें। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें बड़ा सहयोग रहता है, जिसमें कि आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है, रोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और जिसमें सब मिलजुल के हम एक टीम काम करती है। जिसमें टीम का सहयोग रहेगा तो हम कामयाब रहेंगे। और मीडिया का मैं हमेशा थैंक्स करूँगा कि मीडिया हाईलाइट करता रहता है सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को जरूर अवेयर करें। हम जो आपको ध्यान रहे कि जो अभी 31 नाइट में जो हमने जो स्पेशली हमने ड्रंकर नाका लगाए थे, जिन लोगों ने अच्छी ड्राइविंग शो की, हमें ऐसा लगा कि उनका बिहेवियर और टॉकिंग और अच्छा लगा, हमने उनको सबको रोजेज भी दिया, एक एक हमने 200 रोजेज सबको गिफ्ट के तौर पे दिए, एक टोकन ऑफ मेमोरी के तौर पे कि सब लोग जो है अच्छा सहयोग करें। तो सभी से यही उम्मीद करते हैं हम, सब लोग मिलजुल के काम करें, कोई भी ऐसी ना करें कि ट्रैफिक वायलेशन हो। तो ये मेरे साथ मेरे मुंशी जिनको कहते हैं हमेशा, तो इनका सहयोग रहता है सारी ड्यूटीज़ को पार्टिसिपेट करने में और कंटिन्यू करने में, सारे स्टाफ को डिवाइड करके काम लेना, टाइम पे छुट्टी भी भेजना, हर एक के वेलफेयर का भी हम ध्यान रखते हैं। तो
यही है कि आपका भी मैं थैंक्स करूँगा कि आप यहाँ पे आए हैं और हमारे को जो है ना आपने थोड़ा टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।